फैक्टर्स फॉर कलरेशन। तो कॉम्प्लेक्सेस में बात करें तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स से जो आपके काम आते हैं, जिन पे बेस क्वेश्चन होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है तो वो कलर कोज नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। D0 और D10 में कलर नहीं आता। अगले पॉइंट की बात करें तो आपको बताया था अभी ब्लू विट्रियोल में कि भाई लिगेंड्स आर रेस्पॉन्सिबल, तो वही पॉइंट है, लिगेंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन एज दे कॉज स्प्लिटिंग ऑफ डीओर पेटल्स इनटू T2G एंड EG। अब लोग बात करते हैं, अभी देखा था हमने, ये देखिए ये आपके डीओर पेटल्स हैं और जब यहाँ पे लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ। अभी पहले हमने देखा था, ये देखिए, तो इसका नाम रखा था हमने EG और इसका नाम था T2G। तो ये स्प्लिटिंग होती है और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, आपको बताया था अभी, और जब जंप करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, वापस आएगा डी एक्साइटेशन, रेडिएशन कोज करेगा, कलर आएगा। अब बात करते हैं लिगेंड के इफेक्ट की, तो आप लोग देखिए कि ये ब्लू विट्रियोल है, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, अभी डिस्कस किया था, इसमें बताया था कि 5 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिगेंड की फॉर्म में रहते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड बनाता है। तो हमने क्या किया, ब्लू विट्रियोल को यहाँ पे हीट किया, ऑन हीटिंग इट विल लूज इट्स ऑल ऑफ द वाटर, सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होते ही देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो कलर, कलर नहीं रहा है भाई, ऐसा क्या हुआ कि ब्लू स्काई ब्लू कलर से कलर नहीं रहा। तो आप डिफरेंस फील कर सकते हैं, डिफरेंस है वाटर मॉलिक्यूल का, जो हम लोग बात कर रहे थे लिगेंड, अरे भाई लिगेंड नहीं होगा तो डीडी ट्रांजिशन होने के लिए ये जो स्प्लिटिंग है यही नहीं होगी, और जब तक स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग, जंपिंग किसके साथ खेलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एक्साइटेशन नहीं होगा, डी एक्साइटेशन नहीं होगा, केवल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मेटल आयन, कब तक, जब तक कि लिगेंड नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स ब्रिंग स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग डी ट्रांजिशन विल अकर। अब लोग बात करते हैं लिगेंड्स की, तो लिगेंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्रॉम द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही हमको पता है, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड यानी कि हमारा सिंपली बोले तो वीकर लिगेंड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आप जानते हैं कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनिल और आपका CN साइनाइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, आपको पता है ये बात। अब लोग बात करते हैं कि अगर हमारा लिगेंड जो है वो वीक है तो क्या होगा सर, क्या स्प्लिटिंग नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आपका डीजेनरेसी लॉस्ट होगी और आपका जो डी ऑर्बिटल है वो T2G और EG में ब्रेक होगा, लेकिन ये जो गैप आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसको आप लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये एनर्जी गैप यहाँ पे काफी कम होगा, लो स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी गैप कम होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, जंप करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। इस पे क्वेश्चन आता है वेवलेंथ का, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, तो होपफुली आप हैंडल कर पाएंगे। आपको देखना होगा कि उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा है। अब देखिए ब्लू विट्रियोल में वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए तो मालूम पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी नीचे रहती है, वीक लिगेंड में होता है, वीक लिगेंड होगा तो ये एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो इसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा जंप करने के लिए। जब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो देखिए लेस एनर्जी रेड की है सबसे लीस्ट, उसके बाद ऑरेंज की, तो ये ऑरेंज कलर वाली एनर्जी जोन को एब्जॉर्ब करेगा ब्लू विट्रियोल और यहां से ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, इसलिए कलर जो होता है वो स्काई ब्लू होता है, ब्लूइश कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ब्लूइश कलर क्यों है, क्योंकि वो ऑरेंज एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, डिस्कस कर चुके हैं ऑरेंज एनर्जी का जो वैल्यू है वो काफी कम होता है, इसलिए क्यों कम होता है, क्योंकि लिगेंड जो है वो वाटर है, वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग छोटी होगी, एनर्जी गैप कम होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन यानी डीडी ट्रांजिशन दिखाने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो हाई स्प्लिटिंग कॉज करेगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप मान लीजिए ईजी यहां पहुंच जाता है, तो ईजी यहां पर पहुंच गया तो आप देख पा रहे हैं कि जो T2G और EG का एनर्जी गैप है वो काफी बढ़ जाएगा, जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं हाई स्प्लिटिंग और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन और दिखाने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी,
क्लियर है। चलिए अगला फैक्टर ये कि अगर आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसके अंदर मेटल आयन सेम है और उसकी ओएस भी उसका जो लिगेंड है वो सेम है पर ओएस वेरी कर रही है, तो आप लिख सकते हैं हायर हाई ओएस ऑफ सेम मेटल आयन विद सेम लिगेंड्स शो मोर इंटरेक्शन विद लिगेंड सो इट नीड्स हाई एनर्जी फॉर डीडी ट्रांजिशन। हम लोग बात कर रहे हैं ये हाइड्रेटेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है आयरन के साथ में, तो मेटल भी सेम है लिगेंड भी सेम है बट एक चीज वेरी कर रही है ओएस। यहाँ पे जो ओएस होगा वो टू होता है प्लस टू ये देखिए, और यहाँ पर जो ओएस होगा वो प्लस थ्री होता है। तो कॉपर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसे आयरन के कॉम्प्लेक्स में आयरन की ओएस इस वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा है, हायर ओएस है तो ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो ज्यादा होगी और इसको जो आपको एक्साइटेशन यानी डीडी ट्रांजिशन दिखाना है उसके लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वेवलेंथ लोअर होगा, तो इट नीड्स हाई एनर्जी चाहिए इसको, हाई एनर्जी चाहिए फॉर डीडी ट्रांजिशन, ये हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे बात करते हैं, तो आगे चलते हैं जी। अगला एग्जांपल देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएमटी में 2010 में आया था, क्वेश्चन क्या था कि भाई ये कॉम्प्लेक्स हैं इनको लाइट में रखा, तो लाइट में रखने के बाद कौन कलर कोज नहीं करेगा, तो आपको पता है कि हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करके आए कलर कोज नहीं करता जहां पे D0 या D10 होता है कॉन्फिगरेशन। तो हमको पहले क्या करना है, यहाँ पे सब मेटल आयन का हमको ओएस निकालना है, ओएस निकालने के बाद हम लोग चेक कर पाएंगे कि उसका एग्जैक्ट कॉन्फिगरेशन क्या है। तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे निकिल का ओएस है प्लस टू, यहाँ पे इसका ओएस है प्लस थ्री, यहाँ पे इसका ओएस है प्लस टू, यहाँ पे इसका ओएस है प्लस टू। चलिए देखते हैं जी क्या होगा, निकिल का जब प्लस टू कॉन्फ़िगरेशन होता है तो Ni प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8। अब बात करते हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा Cr प्लस थ्री में बच्चों वो होता है 3d3। Cr प्लस थ्री की बात कर रहे हैं, निकल प्लस टू की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं Fe प्लस टू, तो Fe प्लस टू में आप ही बताइए, थोड़ा ट्राई कीजिए एक मिनट के लिए, तो आप देख पाएंगे इसका होगा 3d4। और यहां पर चलते हैं तो निकिल का जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम लोग पहले देख चुके हैं, निकिल का प्लस टू में होता है 3d8। अब देखिए यहां पर हमको मालूम पड़ेगा कि कौन कलर नहीं देगा, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलर देगा, कॉन्फ़िगरेशन से मालूम पड़ रहा है ये कलर देगा, ये भी कलर देगा, पर बात है इसकी थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन सारे लिगेंड को फोकस करेंगे तो H2O अमोनिया H2O और ये साइनाइड है, बताया था कि CO और CN जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके डी और बैटल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, इसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं डी ऑर्बिटल्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो यहाँ पे इनकी पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराने के बाद इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे और ये यहाँ पे कलर कोज नहीं करेगा। क्लियर, चलिए आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे कोबाल्ट के कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए थे, इन कॉम्प्लेक्सेस को अरेंज करना था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, यानी कंपाउंड पे विजिबल लाइट डाला तो भाई बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल आयन तो सेम है और उसका ओएस भी सेम है लेकिन लिगेंड्स यहाँ पे अलग अलग है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में के अकॉर्डिंग अगर हमको अरेंज करें तो ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रोंगर लिगेंड वीकर वीकेस्ट लिगेंड। अब वीकर लिगेंड अगर आपको प्रेजेंट होगा
तो जो उस वीकर लिगेंड के लिए वेवलेंथ होगा वो उस वीक लिगेंड पे डिपेंड करता है, यानी मेरा लिगेंड अगर वीक है तो वो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, अगर मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्गर है तो वो एनर्जी तो हाई एब्जॉर्ब करेगा पर वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे अरेंज किया जाए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एब्जॉर्ब वेवलेंथ, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा थर्ड में, फिर सेकंड में, और सबसे कम किस में होगा, फर्स्ट में, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो हुआ वेवलेंथ का यहाँ पे ऑर्डर। अगर कोई एनर्जी का बोलेगा तो वो आपको जस्ट उल्टा कर देना है कि जहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा होगा और जहां वीक होगा वहां कम, इसका उल्टा हो जाएगा एनर्जी के लिए। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो ये सब हमने पढ़ा कलरेशन इन कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन और भी बनते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए।